आज बीजेपी के कोर ग्रुप और महामंत्रियों की एक मिलीजुली बैठक विशेष रूप से अध्यक्ष जी ने बुलाई थी, जिसमें महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों को लेकर जो देश भर में आंदोलन हो रहे हैं उन पर विस्तृत चर्चा और समीक्षा की गई। हमें इस बात का दुख है कि ये विषय संसद के दोनों सदनों में बहुत प्रभावी ढंग से हमारी ओर से उठाया गया था, लेकिन कोई संतोषजनक और समाधानकारक उत्तर सरकार की तरफ से नहीं आया। जब लोग आक्रोशित होकर के सड़कों पर उतर आए, तब हमने दो सुझाव इस सरकार को दिए। पहला मेरी ओर से प्रधानमंत्री को दिया गया कि वो संसद का विशेष सत्र बुलाएं और जो मौजूदा कानून है उसको और ज़्यादा कठोर बनाने के लिए संशोधन लेकर आएं। दूसरा सुझाव कल मैंने गृह मंत्री जी को दिया कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, जहां बैठकर सारी पॉलिटिकल क्लास इस चीज़ पर चर्चा करे और इसमें से कोई संतोषजनक उत्तर ढूंढे। लेकिन खेद से कहना पड़ रहा है कि दोनों ही हमारे सुझाव सरकार ने अस्वीकार कर दिए। अब सरकार संसद में उत्तर देना नहीं चाहती, संसद को विश्वास में लेना नहीं चाहती, सर्वदलीय बैठक बुलाना नहीं चाहती, प्रोटेस्टर्स से बात करना नहीं चाहती, तो क्या चाहती है? पुलिस के डंडे चला करके स्थिति को संभालना चाहती है? ये भारतीय जनता पार्टी को अस्वीकार्य है। मित्रों, आंदोलन तो बहुत हुए हैं, इमरजेंसी के समय भी बहुत आंदोलन हुए, आंदोलनों में लोगों की पिटाई भी हुई, लेकिन कल जिस तरह की बर्बरता इंडिया गेट पर दिखाई गई है, विशेष तौर पर महिलाओं के साथ, तो आंसू गैस के गोले भी इकट्ठे दागे गए, उसी समय वाटर कैनन भी चलाया गया, वहीं बुरी तरह का लाठी चार्ज भी किया गया और लड़कियों पर भी लाठी पुरुष पुलिस वालों ने चलाई, कोई महिला पुलिस लाठी नहीं चला रही थी। 80 बच्चे कल घायल होकर के आरएमएल में पहुंचे हैं, राम मनोहर लोहिया में, तो इमरजेंसी की हदों को भी पार कर दिया इन्होंने। इसलिए आज हमने यहाँ बैठकर सोचा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने तो सब कुछ अस्वीकार कर दिया, कल हम राष्ट्रपति जी से समय मांग रहे हैं और उनके पास हमारा प्रतिनिधिमंडल जा कर के ये मांग करेगा कि वो संसद का विशेष सत्र बुलवाएं और वहाँ कानून को कठोर बनाने का एक संशोधन सरकार लेकर आए, इस तरह की सलाह वो सरकार को दें। और यदि सरकार ये नहीं करती तो ये आक्रोश बढ़ेगा और जनाक्रोश को आप दमन से नहीं दबा सकते, पुलिस की लाठियों और डंडों से नहीं दबा सकते, और ये जनाक्रोश एक दिन में नहीं पनपा है और ये एक घटना के लिए भी नहीं है, इस घटना तो सारी की सारी हदें पार कर गई। वास्तव में दिल्ली के अखबार की सुर्खियां हर दिन इस तरह की घटनाओं से भरी रहती हैं, कभी कहीं एक छोटी बच्ची का बलात्कार हो जाता है, कहीं कोई प्रेस रिपोर्टर का बलात्कार हो जाता है, कभी रात में और कभी दिन में। ये एक भड़का हुआ गुस्सा है, जिसे कहते हैं अक्यूमुलेटेड एंगर, ये इकट्ठा हुआ गुस्सा है, और महिलाओं के प्रति उत्पीड़न के मामले पूरे देश में जिस तरह से हो रहे हैं वो गुस्सा सड़कों पर फूटा है, और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार इसका तुरंत संज्ञान ले और इसके लिए कोई समाधानकारक चीज़ निकाल कर लेकर आए, और इसके लिए कल हम राष्ट्रपति जी से मिलने जाएंगे।